सो हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रियांशु। मैं सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल बुक योर सीट नाउ पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिस पे जितने भी नीट पीजी एस्पिरेंट है सबकी निगाहें रहती हैं कि विच कॉलेज पेस हाईएस्ट स्टीफन। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं इसी के कि स्टीफन तो हम बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ आपको फी स्ट्रक्चर बताएंगे उसी कॉलेज का, साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कितना क्या बॉन्ड और कितनी क्या पेनल्टी कॉलेज अप्लाई कर रहा है। बॉन्ड और पेनल्टी मतलब कि कितने साल का बॉन्ड है। बॉन्ड बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते कि बॉन्ड मतलब क्या होता है। बॉन्ड मतलब होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जिनमें बॉन्ड रहता है, लाइक आपने जब अपनी पीजी कंप्लीट करी है तो उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में सर्व करना पड़ेगा, चाहे वो रूरल हो या अर्बन हो। वो आपको कॉलेज बताता है उस पर्टिकुलर कॉलेज में 1 ईयर 2 ईयर जो भी बॉन्ड रहता है उस बॉन्ड पर आपको अवेल करना पड़ता है। साथ ही साथ पेनल्टी की बात करते हैं तो पेनल्टी इन द सेंस हो जाता है कि अगर आप बॉन्ड वो तोड़ते हैं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ता है, या फिर आप अगर वो सीट छोड़ देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद तब आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इस हिसाब से ये बॉन्ड और पेनल्टी जो मैं आपको टॉप 10 कॉलेजेस बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो कोई भी हमारे चैनल पर नया आया है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपडेट रिगार्डिंग नीट पीजी आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी आपको, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आप सभी के लिए। अगर उस लिंक से ओपन नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम पर बुक योर सीट नाउ करके सर्च कर सकते हैं, आपको इसीलिए हमारा चैनल मिल जाएगा और वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे थ्रू काउंसलिंग अपने करवाना चाहते हैं, अवेल करवाना चाहते हैं, कौन से आपके डिजायर्ड स्कोर पे आपको कौन सी डिजायर्ड ब्रांच मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, जो भी आपकी चीज़ें रहेंगी वो आप हमारी टीम से अगर आप परस्यू करवाना चाहते हैं तो नीचे उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी गूगल फॉर्म की, आप वो फिल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी और जो भी आपका स्कोर है, जो भी आपकी रैंक आई है उस पर आपके बजट में आपको जो भी आपकी डिजायर्ड ब्रांच है वो आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेगी। तो हमारी जो मेन टॉपिक है हम उस पर कंटिन्यू करते हैं कि टॉप 10 हाइएस्ट पेइंग मेडिकल कॉलेज फॉर स्टीफन। सबसे पहले हमारे जो 10th नंबर पर कॉलेज आता है वो हमारा एम्स न्यू दिल्ली आता है। जी हाँ, सही सुनना है आप, एम्स न्यू दिल्ली आता है। यहाँ पर जो पर ईयर की आपकी फ़ीस जाती है वो वहाँ पर MDMS की अगर बात करते हैं तो 2027 रुपीज़ पर ईयर जाती है यहाँ पर। अगर हम पेनल्टी बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, जीरो बॉन्ड है। अगर आपको करना हो तो आप एम्स के साथ अगर काम कर सकते हैं, अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो काम कर सकते हैं, अगर नहीं होते हैं तो फ्रीली हैं आप कहीं भी जाके काम कर सकते हैं अपना। और अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी लगती है अगर आप कोर्स को डिसकंटिन्यू करते हैं, जैसे आपका एडमिशन होता है या फिर आप छोड़ते हैं कॉलेज को। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पढ़ लेते हैं उसके बाद आप डिसकंटिन्यू करते हैं या छोड़ते हैं तब आपकी 5 लाख के अराउंड आपकी पेनल्टी जाती है। अब हम यहाँ पर स्टीफन की बात कर देते हैं तो यहाँ पर जो स्टीफन जाता है यहाँ पर आपका 19,000 पर मंथ, हमेशा आपका 19,000 अमाउंट मिलता है आपको। तो ये हमारी एम्स के बारे में बात हो गई। अब हमारा जो 9th नंबर पर कॉलेज आता है वो हमारा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मणिपुर में। इसकी जो ट्यूशन फीस है यहाँ पर आपकी 22,000 के अप्रॉक्स आपकी फ़ीस जाती है पर ईयर। यहाँ पर अगर हम बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है। अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर 30 लाख से 70 लाख के अराउंड आपको पे करना पड़ता है कॉलेज में। अगर अब यहाँ पर स्टीफन के बारे में बात करते हैं तो ये कॉलेज आपको स्टीफन फर्स्ट ईयर जो आपके पर मंथ जो स्टीफन जाएगा वो अराउंड आपका 19,778 जाएगा। सेकेंड ईयर से आपका 93,389 के अराउंड जाएगा। इसके बाद लास्ट ईयर में जो आपका स्टीफन मिलेगा वो आपको 96,000 पर मंथ स्टीफन मिलेगा। तो ये बात हो गई हमारे 9th नंबर की। अब हम जाते हैं 8th नंबर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कॉलेज आता है वो आता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस BHU, जो कि हमारी बनारस UP में कॉलेज सिचुएटेड है। यहाँ पर जो पर ईयर की फ़ीस जा रही है वो 14,326 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस जा रही है। क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो यहाँ पर भी कोई बॉन्ड नहीं है। हाँ, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर 15 लाख का आपको पेनल्टी पड़ती है, प्लस जो भी स्टीफन आपको मिलता है वो आपको एक साथ पे करना पड़ता है। ठीक है, जो भी अमाउंट होता है पेनल्टी का वो प्लस आपने जितना स्टीफन उठाया होता है वो आपको पे करना पड़ता है। अगर यहाँ के हम स्टीफन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो स्टीफन जाता है वो 91,952 ये फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है पर मंथ। सेकेंड ईयर में आपको 94,611 रुपीज़ आपको पर मंथ मिलता है सेकेंड ईयर में। और थर्ड ईयर की बात करते हैं तो 97,270 रुपीज़ आपको मिलता है थर्ड ईयर में। अब हमारा जो 7th नंबर पे कॉलेज आता है वो हमारा आता है निज़ाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका हैदराबाद में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की जो फीस जा रही है वो 35,000 आपकी कंप्लीट पैकेज हो जाता है नेक्स्ट 3 ईयर्स का। यहाँ पर अगर हम पेनल्टी की बात करते हैं तो 20 लाख की पेनल्टी पड़ती है अगर आप डिसकंटिन्यू करते हैं,
और कोई बॉन्ड यहाँ पर भी आपको नहीं मिलता। यहाँ पर अगर हम स्टेफन के बारे में बात करते हैं तो स्टेफन जो आपका फर्स्ट ईयर में जाता है वो 94,488 रुपीस ये पर मंथ आपको मिलता है, सेकंड ईयर से 97,072 रुपीस पर मंथ एंड थर्ड ईयर की बात करते हैं तो 99,656 रुपीस आपको पर मंथ मिलता है। सिक्स नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है वो हमारा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है यूपी में। यहाँ पर जो फीस है आपकी पर ईयर वो 1,08,000 के अराउंड पर ईयर फीस जाती है। अगर हम बॉन्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 इयर्स का बॉन्ड है जो कि आपको रूरल में काम करना पड़ता है, ये यूपी में अधिकतर कॉलेजेस का बॉन्ड मिलेगा ही मिलेगा आपको। और यहाँ पर अगर पेनल्टी की बात करते हैं तो 3 लाख की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ती है। अब हम इसकी स्टेफन के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फर्स्ट ईयर में आपको 96,164 रुपीस देता है, सेकंड ईयर से आपको 97,599 रुपीस मिलता है और अगर थर्ड ईयर की बारे में बात करते हैं तो 1,02,258 रुपीस आपको पर मंथ स्टेफन मिलता है। अब हमारी जो फिफ्थ नंबर पे कॉलेज आता है वो हमारा न्यू दिल्ली का कॉलेज है जो कि आपका PGIMER डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ये हमारा कॉलेज आता है। इधर हम कॉलेज की अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो 40,000 आपकी फीस है, कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है यहाँ पर आपका। और पेनल्टी की बात करते हैं तो 10 लाख की पेनल्टी आपको मिलती है अगर डिसकंटिन्यू करते हैं। अगर हम स्टेफन के बारे में बात करते हैं तो स्टेफन आपको फर्स्ट ईयर आपको 1,06,52 रुपीस का मिलता है पर मंथ, सेकंड ईयर से आपको 1,03,447 रुपीस एंड अगर थर्ड ईयर के बारे में बात करते हैं तो 1,06,242 रुपीस का आपका पर मंथ का स्टेफन मिलता है। फोर्थ नंबर पे जो हमारा कॉलेज आता है वो हमारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ। यहाँ की अगर फीस की बारे में बात करते हैं तो 40,000 पर ईयर आपकी फीस है, बॉन्ड की बात करते हैं तो 2 ईयर का आपको बॉन्ड मिलता है और पेनल्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर 40 लाख की पेनल्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। यहाँ की अगर हम स्टेफन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ की जो फर्स्ट ईयर का स्टेफन है वो आपका 1,05,484 रुपीस जो कि आपको पर मंथ मिलता है, सेकंड ईयर से आपको 1,08,401 रुपीस और अगर थर्ड ईयर की बारे में बात करते हैं तो 1,11,318 रुपीस आपको पर मंथ मिलता है। अब हमारा जो थर्ड नंबर पे जो कॉलेज आता है वो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड GTP हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। यहाँ की अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर जो फीस जाती है वो हमारी 15,600 के अराउंड फीस जाती है और हमारा कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर 10 लाख की पेनल्टी मिलती है अगर सीट लीव करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं आप। जो यहाँ पर आपकी अमाउंट मिल रहा है, यहाँ पर आपको जो स्टेफन मिल रहा है वो 1,10,533 ये आपको स्टेफन मिल रहा है फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में आपका 1,13,603 रुपीस एंड थर्ड ईयर में जो हमारा आपका मिल रहा है स्टेफन वो आपका 1,16,673 रुपीस थर्ड ईयर में आपको स्टेफन मिल रहा है। सेकंड नंबर पे हम कॉलेज की बात करते हैं तो हमारा आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरगंज हॉस्पिटल न्यू दिल्ली दिल्ली। यहाँ की जो फीस है आपकी 30,000 फीस है आपकी पर ईयर, कोई बॉन्ड नहीं है, पेनल्टी आपकी 3 लाख की पड़ती है यहाँ पर और अगर हम उसकी बात करते हैं यहाँ पर स्टेफन की तो 1,10,533 रुपीस फर्स्ट ईयर में आपको स्टेफन मिलता है पर ईयर पर मंथ, सेकंड ईयर में आपको 1,13,603 रुपीस एंड थर्ड ईयर में 1,16,673 रुपीस आपको स्टेफन मिलता है। अब हम हमारा फर्स्ट नंबर की बात करते हैं कि जो हमारा पहले नंबर पे जो हमारे कॉलेज रखा है वो आपका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज आता है जो कि आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसकी जो फीस है आपकी 15,600 फीस है, कोई यहाँ पर भी आपको बॉन्ड नहीं मिलता है और अगर हम यहाँ के फीस के बारे में पेनल्टी के बारे में बात करें तो 10 लाख की पेनल्टी यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाती है और अगर हम स्टेफन के बारे में बात करते हैं तो सेम एज आपका वर्धमान मेडिकल कॉलेज महावीर मेडिकल कॉलेज के हिसाब से आपको यहाँ पर भी स्टेफन मिलता है। फर्स्ट ईयर में आपको 1,10,533 रुपीस पर मंथ, सेकंड ईयर से आपको 1,13,603 रुपीस एंड थर्ड ईयर में हमारा आपका 1,16,673 रुपीस आपको स्टेफन मिलता है। तो ये मैंने टॉप 10 आपको कॉलेजेस बता दिए हैं, इसमें और भी कॉलेजेस हैं जिनकी फीस जिनको स्टेफन कुछ 95,000 के भी अराउंड मिलता है, किसी में 84,000 है और भी कम के कॉलेजेस आपको मिल जाते हैं। अगर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे या आपके यूजफुल आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।